सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ आपने पैगंबरों को जना है, संसार आपके ही दम से बना है। माँ ये ऐसा शब्द है जो जहां भी लग जाए वहां की खूबसूरती अपने आप ही बढ़ जाती है। माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो खुद की माँ हो या शक्ति स्वरूपा देवी माँ हो। और माँ की पूजा तो ईश्वर भी करता है, क्योंकि ईश्वर को भी माँ ही जन्म देती है। आज उसी ममतामयी माता वैष्णो देवी की ये पावन कथा हम सुनेंगे, जो इस बात का गवाह है कि बेटे को जब भी परेशानी होती है माँ जरूर दूर करती है। वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी पालनहार। पर्वतों पर प्यारा सजा है, पर्वतों पर प्यारा सजा है माता का दरबार। वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी विष्णु के अंश से जन्मी माता वैष्णवी कहलाई। प्रकटी रत्ना करके घर महल में बजी बधाई, प्रकटी रत्ना करके घर महल में बजी बधाई। छोटी सी आयु में माँ अलौकिक शक्ति पाई, लोग लगे दर्शन करने विपदा सब दूर भगाई, लोग लगे दर्शन करने विपदा सब दूर भगाई। पर्वतों पर लगा समाधि, पर्वतों पर लगा समाधि रहती निराहार। वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी त्रेता युग में जब रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षस धरती पर उत्पात मचा रहे थे, उसी समय महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती के तेज पुंज तथा विष्णु के अंश से राजा रत्नाकर के घर एक बालिका का जन्म हुआ, जिसका नाम वैष्णवी पड़ा। वैष्णवी की तपस्या से खुश होकर सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और एक दिव्य कमंडल देते हैं, जिसमें से जो खाने की इच्छा होती बना बनाया मिल जाता था और वो खाना समाप्त भी नहीं होता था। कर रही घोर तपस्या, विष्णु का ध्यान लगाए, स्वतः ही टूटी समाधि, राम जी पास में आए, वैष्णवी हर्षित होके
प्रभु श्री राम से बोली, मेरे संग शादी कर लो, राज वो दिल का खोली। मेरे संग शादी कर लो, राज वो दिल का खोली। मुझको भी प्रभु अपना बना लो, मुझको भी प्रभु अपना बना लो, सपना करो साकार। वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी सुनकर श्री राम जी कहते हैं कि मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, इस समय सीता मेरी पत्नी है। हे वैष्णवी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं दोबारा कलयुग में कल्कि अवतार लेकर आऊंगा, तब तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरा करूंगा। तब तक तुम धरती पर रहकर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करो और कलयुग में भक्तों का कल्याण करो। इतना कहकर श्री राम जी चले जाते हैं और कुछ समय बाद भैरव नाम का एक दुष्ट शासक वैष्णव धर्म का विनाश करने लगता है और देवी से बैर करने लगता है, तथा देवी माँ के भंडारे में उन्हें अपमानित करने के लिए अपने बहुत सारे चेलों के साथ आकर उत्पात करने लगता है। महाबलशाली भैरव काफी उत्पात मचाया, बहुत से लेकर चेले वो भंडारे में आया। बहुत से लेकर चेले वो भंडारे में आया। माता ने दिव्य कमंडल अपने हाथों में उठाया, सभी को भरपेट भोजन माता रानी ने कराया। सभी को भरपेट भोजन माता रानी ने कराया। चकित हो गया देख के भैरव, चकित हो गया देख के भैरव, माँ का चमत्कार। वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी मंडल से माँ ने सबको भोजन करवा दिया। और कमाल की बात यह है कि भोजन कम ना पड़ा। ये अद्भुत चमत्कार देखकर भैरव दंग रह गया और वो वैष्णव माता से शादी रचाने की बात सोचने लगा और अपने दूत से शादी रचाने का प्रस्ताव माता वैष्णव के पास भेजा। तब माता ने दूत से कहा कि भैरव शादी का प्रस्ताव भेजकर घोर पाप किया है, जाओ उससे जाकर कह दो कि वो शांत रहे, वरना वो बच नहीं पाएगा। अगर उसने दोबारा ऐसी हिमाकत की तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगी। मैं भला उस जैसे राक्षस प्रवृत्ति वाले इंसान के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? शादी करना तो दूर की बात है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूं। तुम जाकर उसको साफ शब्दों में कह देना कि वैष्णवी ने तुम्हें यह हिदायत दी है कि तुम दोबारा ऐसी गलती मत करना। भैरव का दूत भैरव के पास जाकर माता वैष्णवी की कही बातें कहता है, जिसको सुनकर
भैरव आग बबूला हो जाता है, वो चीखता है कि अच्छा उस कन्या की इतनी हिम्मत जो मुझे ऐसा बोले, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दूत की बातें सुनकर क्रोध में भैरव आया, सेना को किया सुसज्जित, वो रण का बिगुल बजाया। सेना को किया सुसज्जित, वो रण का बिगुल बजाया। युद्ध में भैरव का सिर माता ने काट गिराया, माता गलती हुई मुझसे, कटा हुआ सर चिल्लाया। माफ किया माँ ने भैरव को, माफ किया माँ ने भैरव को, पूजता है संसार वैष्णो माँ सबकी पालनहार, वैष्णो माँ सबकी पालनहार। अपने त्रिशूल से माता ने भैरव का सर काट दिया, भैरव का कटा हुआ सर माँ माँ चिल्ला रहा था, और ममता मई माँ ने भैरव को माफ कर दिया। न सिर्फ माँ ने भैरव को माफ किया, बल्कि ये वरदान दिया कि वैष्णो देवी की पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक साथ में भैरव की भी पूजा न हो। ऐसी ममता मई माँ को कोटि कोटि प्रणाम है।